अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज Redmi ने लॉन्च किया है तीन नए स्मार्ट टीवीज को जिनका नाम है Redmi X50, Redmi X55, Redmi X65। यानी कि दोस्तों ये तीन अलग अलग साइजेस के स्मार्ट टीवीज है जो कि एंड्रॉयड टीवीज है जो कि दोस्तों 50, 55 और 65 इंच में आते हैं। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ये Redmi के ब्रांडिंग की तरफ से आ रहा था, MI की ब्रांडिंग की तरफ से नहीं। लेकिन दोस्तों इसने पूरी तरह से उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा Redmi के ब्रांडिंग में, इतना ज़्यादा प्राइसिंग में लाने की ज़रूरत क्या थी आखिर। अगर Redmi के ब्रांडिंग से लाना था तो सस्ते टीवीज़ लाना था। लेकिन दोस्तों ये जो टीवीज़ है, कुछ टीवीज़ ऐसे हैं जो कि MI के टीवी से भी ज़्यादा महंगे हैं एंड कुछ टीवी ऐसे हैं जो कि MI टीवी के आसपास आ जाते हैं। तो फिर पता नहीं इन्होंने Redmi के ब्रांडिंग से क्यों लॉन्च किया, इन्हें MI के ब्रांडिंग से ही लॉन्च कर देना चाहिए था। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों AC टीवी के बारे में एंड मैं आपको देता हूं अपना कुछ ओपिनियन कि आपको बाय करना चाहिए नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। गाइस, सबसे पहली चीज़ Redmi की ब्रांडिंग है, यानी कि आपको थोड़े बहुत चीप कंपोनेंट्स तो देखने को मिलेंगे। तो जो भी टीवीज़ है दोस्तों वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मेटल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप MI की टीवी देखेंगे तो कुछ टीवीज़ ऐसे हैं जिसमें मेटल का इस्तेमाल हुआ था। जैसे कि जो MI का टीवी था दोस्तों 65 इंच वाला, उसमें मेटल का बॉडी इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी स्लिम लगता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वो प्रो लगता है देखने में, प्रीमियम लगता है देखने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जो ये टीवीज लॉन्च हुए हैं, सबसे पहले जो 50 इंच का टीवी है वो 33,000 का है, जो दोस्तों आपको मिलता है 55 इंच का टीवी वो 38,000 का है एंड जो मिलता है 65 इंच का टीवी वो 58,000 का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो MI टीवी आया था ना 65 इंच वाला, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 का मिलता था। यानी कि MI टीवी 65 इंच ज़्यादा सस्ता है Redmi टीवी 65 इंच से। व्हाट? जी हाँ दोस्तों, यही बात है। यानी कि दोस्तों 65 इंच के टीवी का प्राइस यहाँ पे कम होना चाहिए था, 50,000 होता है, 51,000 होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो ज़्यादा लगता कि जी हाँ Redmi के ब्रांडिंग से है। लेकिन ये लोग गाइस मतलब पता नहीं क्या सोच करके 65 इंच का टीवी ला रहे हैं एंड वो भी MI टीवी से ज़्यादा प्राइस रख रहे हैं। दिस इज़ द मेन कंसर्निंग थिंग, क्योंकि दोस्तों प्राइस मैटर्स। इंडिया में अगर टीवी अगर कोई लेता है तो सबसे ज़्यादा यही देखेगा कि भाई उसका प्राइस क्या है, क्या हमें स्क्रीन साइजेस दे रहा है। बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा कि आपकी लेटेंसी क्या है। चलो ठीक है, 5 मिलीसेकंड का आपका लेटेंसी है, चलो ठीक है आप डॉल्बी दे रहे हो, चलो ठीक है आप बहुत सारी चीज़ों को दे रहे हो जैसे कि ER का सपोर्ट दे रहे हो जिससे आपका डॉल्बी का ऑडियो आएगा दोस्तों, एक्सटर्नल आउटपुट जो होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, 30 वाट का स्पीकर दे रहे हो, ये सब कुछ चलता है। लेकिन लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देखेंगे कि उनकी प्राइसिंग के हिसाब से उनका स्क्रीन साइज फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो अगर उनको लगेगा कि भैया हमें तो MI टीवी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है तो वही ले लेंगे, या फिर अगर लगेगा कि उनको कोई और टीवी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है तो कोई और लेंगे। दैट्स वाई दोस्तों इन्हें प्राइसिंग पे ज़्यादा फोकस रखना था। जो 50 इंच का टीवी दोस्तों उसकी प्राइसिंग ठीक है, 32 या 33,000 के आसपास है, लेकिन उसकी भी 3-4 हज़ार रुपये कम होती तो ज़्यादा अच्छा होता, और जो 55 इंच का है वो 35,000 के नीचे रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट वो 38,000 रुपीज़ का है। सो दैट इज़ ऑल डैट थिंग। अगर आप MI टीवी का याद रखोगे तो 55 इंच का टीवी आपको मिलता था दोस्तों लगभग 35,000 रुपये में पहले। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के बाद से, GST वगैरह बढ़ने के बाद से, टैक्स बढ़ने के बाद से प्राइस 5-5 हज़ार रुपये सभी टीवीज़ पे बढ़ गए। इस वजह से दोस्तों अभी आपको लगेगा कि ये टीवी सस्ते हैं, बट अगेन दोस्तों उतने ज़्यादा सस्ते भी नहीं है जितने ज़्यादा होने चाहिए थे। तो ओवरऑल आखिर ये कैसा टीवी है? तो देखो दोस्तों जो ये टीवीज़ है वो काफ़ी अच्छा टीवी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी आपको पिक्चर क्वालिटी मिलती है, 4K मिलता है, वाइट कलर गैमेट आपको देखने को मिल जाता है, DR10 भी मिल जाता है दोस्तों, 30 वाट का स्पीकर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 GB का रैम भी है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज भी है, एंड्रॉयड 10 पे पैच वाल भी मिलता है आपको यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, रिमोट भी मिलता है जिससे आप बात वगैरह भी कर सकते हो, मतलब गूगल असिस्टेंट को कमांड भी दे सकते हो। तो एक सच में ये एक स्मार्ट टीवी है जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, नो इश्यूज़ दोस्तों। बस इशू ये है कि अगर इसे Redmi टीवी के नाम से ना ला करके MI टीवी लाइट के नाम से ले आते तो ज़्यादा अच्छा होता एंड प्राइसिंग थोड़ी कम रखते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि Xiaomi वाले खुद ही कन्फ्यूज है कि आखिर प्राइसिंग क्या रखें। तो ओवरऑल अच्छे टीवी है, लेने लायक है, बट इनसे ज़्यादा मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि MI की टीवीज़ लीजिए। भले ही MI की टीवी में साउंड थोड़ा सा कम है, 20 वाट का ही स्पीकर है, लेकिन आप लोग साउंड बार वगैरह लगाते हो, एक्सटर्नल स्पीकर लगाते हो, तो ज़्यादा रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से यही है कि MI की टीवीज़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, Redmi की टीवीज़ मत लीजिए। बिकॉज दोस्तों MI की टीवीज़ की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मेटल बिल्ड है, 10 बिट का SDR मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे 65 इंच में, लेकिन इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें 10 बिट है या नहीं है। उसमें भी आपको MEMC मिलता है दोस्तों, यानी कि आपका कंटेंट को 60 हर्ट्ज़ पे करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें दोस्तों उसमें भी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा MI की टीवी ना कि Redmi टीवी, एंड Redmi टीवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। ठीक है, अच्छा है, ले सकते हैं, एंड बस Redmi को कुछ भी लॉन्च करना था कर दिया। लेकिन शिकायत ये है कि चाइना में अगर आप देखेंगे तो चाइना में जो 55 इंच का टीवी है वो 30,000 के नीचे मिलता है एंड इंडिया में यहाँ 35,000 के ऊपर मिल रहा है, सो दैट हर्ट्स। तो अगर ऐसा कर पाए, Xiaomi की 55 इंच का टीवी ले पाए Redmi की तरफ से सस्ते प्राइस में तो ज़्यादा अच्छा होता, बट उम्मीदें तो बहुत थी, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू दोस्तों, बाय।